while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Hello friends, welcome to the Fashion Mart. फैशन मार्ट के इस नए एपिसोड में हम आज बात करेंगे हमारे फैमिली के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन यानी कि किड्स वेयर के बारे में। बच्चों के कपड़े खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि बच्चों के कपड़े हमेशा आरामदायक होने चाहिए, क्योंकि बच्चे 0 से लेकर अगर 6 साल तक की बात करें तो वो उन्ही कपड़ों में सो जाते हैं जिनमें हम उनको पहनाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप उनके कपड़े परचेज करें हमेशा आरामदायक होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात का हम ध्यान रखेंगे कि बच्चों के जो कपड़े होने चाहिए वो 1 या 2 साइज उनके हिसाब से बड़े होने चाहिए। कि जैसे अगर मेरा बच्चा 6 साल का है तो मुझे हमेशा 7 साल के बच्चे के कपड़े ही प्रेफर करने चाहिए। तीसरी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात का हमें ध्यान रखना है कि बच्चों के कपड़े खरीदते समय हमें हाइजीन का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा जब भी आप बच्चों के कपड़े खरीदें हमेशा कॉटन में ही खरीदें, क्योंकि कॉटन जो होता है वो बच्चों की स्किन के लिए काफी अच्छा रहता है। उसके अलावा आजकल जैसा जानते हैं कि हमारा काफी बिजी शेड्यूल होता है तो हम ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन बच्चों के कपड़े खरीदते समय हमेशा हमें अपने नियर बाय शॉप पे जाके ही कपड़े खरीदने चाहिए, क्योंकि इससे सबसे पहली चीज ये होती है कि हमें फैब्रिक का पता लग जाएगा और बच्चों के कपड़े हम इजिली चेंज करा सकते हैं जो कि हम ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम बच्चों के कपड़े खरीद सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि द फैशन मार्ट में आपको किस तरह के बच्चों से लेकर बड़ों तक के कपड़े अवेलेबल हैं और बच्चों में क्या क्या वैरायटी है। दोस्तों इसमें मैं आपको 0 से लेकर 6 महीने तक के बच्चे के कपड़े दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा हम ध्यान रखेंगे बच्चों के कम्फर्ट का। बच्चों के कपड़ों में अगर बात की जाए तो हमारे पास ये बेबी पिंक में अवेलेबल है, जिसका कपड़ा काफी सॉफ्ट कपड़ा है और उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो बहुत ही इजी टू कैरी कपड़ा है ये। क्योंकि इसमें हमेशा ध्यान देने वाली बात होती है कि बच्चे जो होते हैं वो डायपर पहनते हैं, 0 से लेकर 6 महीने तक के बच्चे, तो हमेशा इजी टू चेंज डायपर होना चाहिए कि उसको इजीली कैसे हम उसका डायपर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें बेबी पिंक के अंदर कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, जैसे मैंने कि पहले ही बताया कि कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए क्योंकि इनकी जो स्किन होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो इसमें आपको 3 कलर की वैरायटी मिल जाएगी, एक आपको ये बेबी पिंक में मिलेगा, उसके अलावा आपको इस कलर की वैरायटी मिलेगी जो भी बहुत प्यारा पीस है, इसके अलावा एक आपको फिरोजी कलर में आइटम मिल जाएगा। इसके अंदर ये 3 कलर की वैरायटी मिलती है जो कि बहुत ही बच्चा प्यारा लगता है इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों सेम पैटर्न के अंदर आपका एक अलग पीस आएगा जो कि सिंगल पीस में अवेलेबल रहेगा, जिसके अंदर 0 से लेकर 6 महीने तक के बच्चे इजी आ जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको कलर की वैरायटी दिखा देता हूं, ये देखिए इसके अलावा ये कलर इसमें आपको मिल जाएगा और ये कलर आपको मिल जाएगा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको आज कम ही कलेक्शन दिखा रहा हूँ, क्योंकि पहला वीडियो है बच्चों के कपड़ों से रिलेटेड। आगे बहुत सी वीडियोस बनेंगी जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में इस शॉप की जो कपड़े की रेंज है वो दिखाता रहूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही कपड़े दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस शॉप के अंदर आपको किस किस तरह के कपड़े मिल सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।